हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप लाइव नहीं आ रहे हो क्या, या फिर लाइव के लेक्चर नहीं हो रहे क्या। तो बिल्कुल लाइव के लेक्चर हो रहे हैं, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं खुद जो है कि नहीं चाहता कि आपका लेक्चर कैंसिल हो, इसीलिए मैं खुद इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, ताकि आपको जो प्रैक्टिस रहे वो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो बहुत प्यारा सा कंटेंट है, पी ब्लॉक चैप्टर, जिसको हम एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 16, 17, 18 बोलते हैं। इसका मैं लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, इसके लेवल 1, लेवल 2 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, आज मैं लेवल 3 बोल सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बोल सकते हैं। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन हो, मैं बता दूं आपको कि नून ऐप पर मैं जो है कि 21 दिनों का क्रैश कोर्स करवा रहा हूं। जी हाँ, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हो, चाहे कोई रिएक्शन हो, ठीक है, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे मैं कम समय में आपको पूरा का पूरा जो है कि डेली बेसिस पे करवा रहा हूं। टाइमिंग होने वाला है 5 to 6, और जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई डेली 5 to 6 आपको नून ऐप पर मुझे आप देखेंगे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा चल रहा है। जो बच्चे जुड़े उनको पता होगा कितना मजा आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, जल्दी से ज्वाइन कर लो नून ऐप को, और वहां पे मिलते हैं कोर्स में। चलो बात चालू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो यहां पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या पूछा है, ठीक है। तो अर्थ पे आपको मैं बता दूं कि जो ऑक्सीजन होता है उसको हम मानते हैं कि वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट माना जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है बच्चे, उसको हम क्या मानते हैं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो यहां पे दो चीजें पूछी गई कि एलिमेंट के फॉर्म में पूछा जा रहा है, आपको मोस्ट अबंडेंट पूछा जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एयर में कितना होता है, एयर में नाइट्रोजन होता है 78%, सबको पता है। ऑक्सीजन होता है बच्चे कितना, 21% के आसपास होता है। यहाँ पे सिर्फ एयर नहीं बोला है, ऑन द अर्थ बोला है, तो उस चीजों को ध्यान में रखना है आपको, चलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर क्या होता है। MHTCT 2016 का क्वेश्चन, तो पी ब्लॉक से ऐसे क्वेश्चन निकल सकते हैं जहां पे आपको इनर गैस का अबंडेंस पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना कि जो आर्गन होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। नोबल गैस अगर मैं बात करूं तो आर्गन जो होता है एक ऐसा नोबल गैस होता है जो अर्थ पे बोल सकते हो या फिर एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा अमाउंट में मिलता है, जो गैसेस होते हैं ना हमारे उसके अंदर, ठीक है। और ये भी ध्यान देना कि जो मोस्ट ऑफ नोबल गैस होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, मोनो एटोमिक होते हैं, डायटोमिक नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कई बार मैंने देखा है, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट अब जरा देखिए, यहाँ पे पी ब्लॉक का जो फेमस क्वेश्चन होता है, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन निकल कर आता है, MHTCT 2017 का क्वेश्चन है। Which halogen has the highest value of negative electron gain enthalpy? भाई ये क्या है सर, आपको बता दो कि जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फ्लोरिन दिया है। अब फ्लोरिन का तो नंबर हमको पता है कि 9 होता है, लिखते हैं 2.7। क्लोरिन होता है 2.8.7, सबको याद होगा क्लोरिन का नंबर 17 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा हाइएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दिखाएगा। तो पहला क्वेश्चन, कौन हाइएस्ट दिखाता है, तो हाइएस्ट वो दिखाएगा जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा और वो स्टेबल बन जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो गई। तो अगर मैं दोनों में इलेक्ट्रॉन एक एक ऐड करूं तो दोनों ही स्टेबल बनेंगे। बट आपको मैं बता दूं कि ये जो शेल है बच्चे, यहाँ पे सिर्फ दो ही शेल है, 1, 2। अब दो शेल में इलेक्ट्रॉन अगर आप भरेंगे तो ऑब्वियस है, जैसे कि यहाँ पे देख लो 1, 2, ये मैं फ्लोरिन बना रहा हूँ। तो बच्चे जो साइज होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब इसमें एक और आ गया, ऑलरेडी जगह कितना कम है, एक और आएगा तो ये रिपल्शन करने लगेंगे। मान के चलो ये वाला बंदा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आ चुका है एक नया इलेक्ट्रॉन, इसके आने की वजह से क्या होगा, गैप कम होगा और ये रिपल्शन चालू हो जाएगा, मतलब ये लोग अनस्टेबल की तरफ बढ़ने लगेंगे, थोड़ा अनस्टेबल होने हो जाएंगे। और अनस्टेबल वाले बंदे लोग कभी भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। बट अगर वही चीज़ मैं देखूँ क्लोरिन के अंदर, तो क्लोरिन में वही सेम चीज़ होगा, कैसे दिखेगी, 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर किसी तीसरे को आना हुआ, किसी नेक्स्ट बंदे को आना हुआ यहाँ पे, तो अगर वो आता भी है तो इससे रिपल्शन नहीं होगा, या रिपल्शन विल बी वेरी मिनिमम, जिसकी वजह से ये स्टेबल होगा और ये बहुत सारा क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। बोलो समझ में आया। तो इसको ही बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देगा। नेगेटिव क्यों बोलते हैं, बाहर निकलने वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं, ऐसा नहीं कि एनर्जी नेगेटिव होती है, नहीं, नेगेटिव मान के चलो कि समझो 500 किलो जूल एनर्जी आपको निकली, तो अब ये जो एनर्जी है वो निकल रही है, लेकिन निकलने की वजह से इसको हम नेगेटिव बताते हैं। तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू किसका आ गया, क्लोरीन का आ गया, क्योंकि ये जो होता है एक मीडियम साइज लेके चलता है। ब्रोमीन और आयोडीन का साइज ज़्यादा होने की वजह से
इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर लेगा और साइज भी इतना बड़ा है कि वो स्टेबल हो सकता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस हैलोजन। देखो वही क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया इसने, वही सेम क्वेश्चन कि किस न्यूट्रल हैलोजन के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूं कि जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ऑब्वियस है डी आंसर, आप बिना किसी हिचकिचाहट के टिक मार्क करेंगे, क्लोरीन में ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आयोडीन। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है इसीलिए वहाँ पे एनर्जी जो है कि बहुत ही कम रिलीज होगी। क्लियर है? तो ये जो कंसेप्ट है ये 2019 में पूछा गया, मतलब आप समझ सकते हो कि 2017 में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया, 2019 में आया, 20 में पता नहीं, लेकिन 2021 में आने के चांसेस हो सकते हैं, एक जो ट्रेंड देख रहे हैं हम लोग उसके बेसिस पे। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसके ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन निकल के आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। ओहो सर आपने क्या उठा लिया, जेई मेन का क्वेश्चन उठा लिया आपने, तो 2020 में जेई मेन का क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो मैंने आपको अभी अभी बताया। तो बोलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसका होगा, मतलब कौन ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू रिलीज करेगा। तो आप बोलेंगे सर क्लोरीन, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बट इसमें सबसे ज़्यादा कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। तो बस इसको पकड़िए कि ये सेकंड नंबर वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड नंबर वाला सबसे ज़्यादा आना चाहिए, 1 2। ओ यहाँ पे 2 नंबर कम कम दिख रहा है सब जगह, मतलब ये जो ए का आंसर है वही आपका राइट है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। बोलो समझ में आया क्या, हर एक बच्चे को एकदम क्लियर हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस बार मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका किसी भी तरीके से नुकसान हो, इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनका लेक्चर किसी तरीके से रुकना नहीं चाहिए, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव लेक्चर हो, आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर आज मैं बना रहा हूँ, अपने टाइम पर बना रहा हूँ, जिस टाइम पर मैं आपको लाइव लेता हूँ, लेकिन ड्यू टू नेटवर्क इशू मैं लाइव नहीं जा पाया, तो मैंने सोचा कि ठीक है रिकॉर्ड करके रखता हूँ, और जैसे मुझे नेटवर्क अगर आता ही ना केस, ठीक है, जैसे सिस्टम चलने लगता है, तो वैसे मैं इसको अपलोड में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ अ हैलोजन मॉलिक्यूल। जल्दी से सोच लीजिए, मैं कुछ आपको कुछ सेकंड का टाइम दे देता हूं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमको जो है कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सर, आप फटाफट आंसर बताते हैं, फिर हमको सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो जल्दी से सोच लीजिए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं बोलूंगा डिफिकल्ट है, इजी है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। सोच लीजिए, डन। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहां पे कौन सा ऑर्डर को आप प्रीफर करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए, अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना हो तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है सबसे ज्यादा सबसे कम किस में लगती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, ऑब्वियस है क्लोरीन में लगेगी, ये तो बाय डिफॉल्ट है। तो अगर आप इतना भी ढूंढ लेते हो ना कि क्लोरीन में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है बच्चे, जब इसके एक मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल समझते हैं ना, मॉलिक्यूल का मतलब दो एटम आके मिलेंगे, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन आके मिलेगा, जरा देख लो यहाँ पे, ये Cl है और ये भी Cl, मैं आउटर मोस्ट बना रहा हूँ, ये सिर्फ आउटर मोस्ट है, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे 7, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 एक यहाँ पे 7, अब ये 7 7 दोनों हैं, लेकिन ये क्या करेंगे अपना 1 7 उठा के यहाँ पे डाल देंगे, और ये वाला बंदा भी यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे डाल देगा, तो अब ये इसका भी 7 8 हो गया, इसका भी 7 8 हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। ये क्या होंगे बच्चे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्लोरीन में आपको इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है पता है ना आपको, बहुत तेज़ी से रिलीज होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं, तो ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी इनको तोड़ना भी मुश्किल होगा, तो क्लोरीन को तोड़ना मुश्किल होने वाला है, आ रहा है समझ में। और एक बार क्लोरीन आपको ज़्यादा मिल गया तो बस इसी ऑर्डर में बाकी लोग अरेंज रहेंगे। अब यहाँ पे ब्रोमीन को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, फ्लोरीन को तोड़ना थोड़ा मतलब मुश्किल होता है, ईजी हो जाएगा, फ्लोरीन थोड़ा ईजी हो जाएगा, और आयोडीन सबसे ईजी होगा क्योंकि ड्यू टू लार्ज साइज, तो इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन नीट लेवल का है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वाला ही लॉजिक, लेकिन इस बार बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए पूछा है, तो क्वेश्चन को रोटेट कर दिया उसने कि भाई जो ज़्यादा स्टेबल है तो कॉमन से, बस उसको तोड़ना मुश्किल होने वाला है, तो ज़्यादा स्टेबल वाले को बस ढूंढ लो आप। तो क्लोरीन को आपने अगर ढूंढ लिया तो आपको बाकी का बाकी रिलेशन जो है कि वैसे का वैसे मिल जाएगा। क्लियर है? चलो आगे जरा देख लो। चलो MHTCT 2017 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने ये कॉन्सेप्ट पीछे डिस्कस किया था जब आर्कर का मैं टॉपिक बता रहा था आपको, तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। MHTCT 2017 का क्वेश्चन, विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग डज नॉट
फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल। कौन है जो डायटोमिक नहीं बनाता है? कौन है भाई डायटोमिक नहीं बनाता है? ऑब्वियस है, आर्गन डायटोमिक नहीं बनाएगा, जबकि ऑक्सीजन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन ये सब डायटोमिक बनाते हैं, बट आर्गन जो होता है वो मोनोएटोमिक ही होते हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई ये मोनोएटोमिक ही है, ठीक है। आर्गन क्या होता है बच्चे? मोनोएटोमिक ही माना जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? वेरी गुड। विच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है, जेई मेन 2015। तो अपने आप में ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। जेई मेन 2015 आपको लग रहा है कि ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। जेई मेन क्या है सोचिए जरा, जेई मेन क्या है एग्जैक्टली? बच्चे जेई मेन एक ऐसी एग्जाम जहां पे आप बोल सकते हैं कि यार ये एग्जाम तो काफी डिफिकल्ट मानी जाती है, बट ये एग्जाम के क्वेश्चन देखो कितने ईजी है। 2015 में पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं समझ में आता कि सर कैसे टिक मार्क करें, क्या इसमें कोई अटैचमेंट देखना है, क्या इसमें कोई बॉन्ड देखना है? बिल्कुल नहीं। आपको एक लाइन अपने ऑर्गेनिक में हमेशा सीखी होगी, मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। याद आया कुछ? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, वो लाइन आपको याद होगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। सही बात है कि नहीं? एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, आया समझ में? बस वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है कि भाई एच ई एन ई के आर और एक्स ई का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसका नंबर खुद 54 है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 54 उसका मास तो ऑब्वियस है बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक्स ई इज द करेक्ट आंसर कंपेयर टू ऑल फोर, चलेगा ऑल थ्री। तो एक्स ई का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ हर एक का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा होगा और हर एक क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही आएगा, बट आपको लॉजिक समझा के अच्छा मॉलिकुलर मास के बेस पे बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेंगे, इसकी जगह पे आपको अलग 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 आपको हेलोजन दे सकते हैं, अलग अलग आपको कोई बोलते हैं ना नोबल गैस दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ नोबल गैस के ऊपर ही आएगा, कोई भी कंटेंट आपको यूज कर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो जरा, एमएससी सीटी का क्वेश्चन है। एमएससी सीटी का क्वेश्चन हमेशा थोड़े से लेवल के होते हैं, मतलब ईजी बोल सकते हो, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते, ईजी लेवल के होते हैं और वो आसानी से कर लेंगे, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो गारंटी है कि आप 50/50 आराम से स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत, ये सब आपको कलेक्टिवली क्या करना है? यूज करना होता है आपके केमिस्ट्री के पेपर में। देखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट? भाई जो 17 एलिमेंट है उसमें सबसे हाईएस्ट क्या होता है? तो हाईएस्ट क्या होता है बच्चे? +7 हो सकता है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा यहाँ पे एलिमेंट की बात किया है, बट हमको पता है कि भाई हैलोजन आइटम की बात कर रहा है, ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहा है। तो ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरीन तो ऑब्वियस +7 ही बनाता है, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हाईएस्ट +7 तक बनाते हैं, चलेगा? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 287 मान के चलो, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा लूज कर देंगे ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट में। किसमें बच्चे? हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट में, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं डी के पास, और वहां से आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बढ़ते जाता है और एंड में 7 अनपेड आ जाते हैं, जिसके बाद हम मानते हैं कि +7 ये बना सकता है। चीजें क्लियर हो गई? यहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे डाउट है, जरूर 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 आप जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं समझा, मैं ट्राई करूंगा आपको उस कमेंट बॉक्स में देने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो हो, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये रिसेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, कोरोना पीरियड के जस्ट पहले आप बोल सकते हो कि 2019 का जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E? H2E जहां पे ई का मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलिनियम, याद है कि नहीं आपको? ओ स्टाइल से टेबल पॉलिश, याद है कि नहीं आपको? ट्रिक, ये ट्रिक मैंने दिया था, ओ स्टाइल से टेबल पॉलिश। तो इसके अंदर सबसे छोटा साइज किसका है बच्चे? ऑक्सीजन का। और पढ़ाते समय मैंने स्पेसिफाई किया था कि जिसका साइज स्मॉल रहेगा, स्मॉल साइज क्या करता है बच्चे? रिजल्ट्स इनटू मोर थर्मल स्टेबिलिटी। इस लाइन को याद कर लो एकदम अच्छे से, स्मॉल साइज मोर थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, उसके हाइड्राइड आयन का, उसके हाइड्राइड का। नहीं तो आप बोलेंगे सर किसका? उसके हाइड्राइड का। तो आप अपना दिमाग चलाइए, H2O का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आना चाहिए। ऐसा कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है, कौन सा ऑर्डर दिखा रहा है? आप बोलेंगे सर बी वाला दिखा रहा है। बिल्कुल सही बच्चे, H2PO पोलोनियम सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है, इसके वजह से इसका जो हाइड्राइड बनेगा H2PO उसका जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो सबसे कम होने वाला है, और पानी का जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो सबसे ज्यादा होने वाला है। बोलो समझ में आया?
कोई डाउट है? और इसीलिए आपका जो आंसर नंबर बी है वो एकदम सही हो गया यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? चलेगा। तो जो बच्चे अभी भी नहीं जानते हैं एमएचटी सिटी का क्रैश कोर्स कहाँ चल रहा है, कैसे उसे ज्वाइन करना, तो एक बार वापस से सुन लीजिए। मैं सोविन सर और नून आपके लिए लेकर आए हैं 21 दिनों का एमएचटी सिटी क्रैश कोर्स। लाइव चलता है, ऑडियो इंट्रक्शन भी होती है, जहां पे आप अपना माइक ऑन करेंगे और आप क्वेश्चन पूछेंगे और उसका मैं जवाब दूंगा। तो लाइव इंट्रक्शन होते हैं, बहुत ही लो डेटा पे चलता है, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई फाई आपको बोलते हैं ना कि डेटा चाहिए, बहुत लो डेटा पे चलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है, ये बिल्कुल फ्री है, तो कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना है। 5 to 6 एक घंटे का डेली कोर्स चलता है, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेजरली जो होते हैं, उस तरह के सारे कंटेंट जो है कि मैं डेली यहां पर 5 to 6 जो टाइमिंग हमने दिया हुआ है उस टाइमिंग पर आपको मिलेगा। ये कहां मिलेगा? नून ऐप पर मिलता है। प्ले स्टोर में जाइए, नून ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे डाउनलोड करने के बाद साइन अप कीजिए। और मेरा जो कोर्स है एमएचटी सिटी केमिस्ट्री बाय सोविन यादव सर, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप देखेंगे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है? और उस बोलते हैं ना कि पैटर्न से आप हमेशा जो है कि मेरे से 5 to 6 इस ड्यूरेशन में आप जो है कि मुझसे केमिस्ट्री सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और जो मेरे नोट्स होते हैं, जो मैं एमसीक्यू बनाता हूँ, जो मैं एमसीक्यू लेकर आता हूँ आप लोग के लिए, वो सारे एमसीक्यू, सारे क्वालिटी वाले नोट्स, वो भी हम नून ऐप पर डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो भाई देर किस बात की कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से ज्वाइन कीजिए नून ऐप और वहाँ पर मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? सोच लीजिए पहले कि भाई कौन है जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ यार ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। सोच लो पहले, ठीक है? जल्दी से दिमाग चला लीजिए अपना, कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से बोल दीजिए। बोला है रिड्यूसिंग एजेंट। आपको मैं बता दूं कि इसमें एक ही बंदा है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है, और वो होता है पानी। जैसे कि हम मानते हैं कि पानी जो है कि एम्फोटेरिक होता है, भाई एसिडिक नहीं होता है, बेसिक नहीं होता है, वैसे ही पानी जो है कि आपके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, ठीक है? पानी के अंदर ओ प्रेजेंट है, तो ऐसा भी नहीं कि सर ये ऑक्सीजन करेगा, नहीं, ये H2O जो होता है ना अपने आप में, ये एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है, मतलब उभयधर्मी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन नहीं करता है। और उसी पैटर्न में, रेडॉक्स के पैटर्न में अगर मैं देखने जाऊं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होता है, ऑक्सीडाइजिंग भी नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन किया होगा तो आपको याद होगा कि पानी हम फ्रीक्वेंटली ऐड करते थे, किसी कहीं पर भी ओ को बैलेंस करने के लिए हम पानी ऐड कर देते थे, याद है कि नहीं? आपने क्यों ऐड करते थे? क्योंकि हमको पता है कि इसका इफेक्ट जो है कि नहीं होने वाला रिएक्शन में, चलेगा? तो आपको याद रखना है कि पानी जो होता है वो नॉट रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में काम करेगा यहाँ पे, क्लियर है? चलो आगे क्या दिया है बच्चे, ओ हो, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट रीटेस्ट 2015 का क्वेश्चन है। भाई लेवल के क्वेश्चन उठाए मैंने, ऐसे नहीं कि सिर्फ एमएसटी सिटी का उठाया है, जेई मेन भी हमने देखा, नीट का भी देखा, AIPMT भी देख रहे हैं। पूछ रहे कि द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन द ऑर्डर ऑफ, मतलब ये वेरिएशन है कि भाई HF सबसे ज्यादा होता है, HCl जो कि सबसे कम है, ठीक है? ये क्या पूछ रहे हैं आपके लिए, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं। तो बोल रहा है कि विच एक्सप्लेन द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो ये तो समझ में आ गया कि HI क्यों होगा, HI होगा उसके मॉलिकुलर मास की वजह से। बच्चे ये HF को इतना ही प्रीफर क्यों कर रहा है, HF का तो मॉलिकुलर मास भी ज्यादा नहीं है, फिर ये इतना प्रीफर क्यों कर रहा है? तो याद रखना है कि बच्चे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है F की, और जिसकी वजह से ये H जो होता है ना इसके साथ बहुत तेजी से चिपका होता है या फिर जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बहुत अच्छा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देर इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, चलेगा? अगला जो क्वेश्चन जरा देख लो, विच हैलोजन फॉर्म्स एन ऑक्सी एसिड दैट कंटेन्स द हैलोजन एटम इन अ ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा हैलोजन है जो आपको ऑक्सी एसिड बनाता है, जिसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन, जो हैलोजन का ऑक्सीडेशन रहेगा वो 3 होना चाहिए। आपने सुना होगा शायद से HOCl, ये कंपाउंड को अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है। ये क्लोरीन से बनने वाला एसिड होता है ऑक्सी एसिड, जिसके अंदर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो H होता है +1, O होता है मेरे पास -2, ठीक है? और Cl का हमको निकालना है, ठीक है? एक मिनट, अच्छा इसमें तो +1 आ गया, +Cl ले लो, कितना आ गया बच्चे, Cl -1 लिख दूँ मैं इस तरह से, चलो इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट करो, क्या बन गया, Cl इक्वल टू +1। ये पहला मिला आपको HOCl, ये पहला मिला। अब इसी में आप O का अमाउंट बढ़ाते जाओ, इसी में आप O का अमाउंट बढ़ाते जाओ, कैसे सर, HO2Cl, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये +1,
और ये यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सी एल का वैल्यू प्लस 3 बन जाएगा। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एच ओ और सी एल से आप ओ का अमाउंट बढ़ा के अलग अलग एसिड बना सकते हैं। जितना ज़्यादा ओ होगा ना उतना अच्छा एसिड माना जाता है, उतना अच्छा उसकी एसिडिटी होती है। तो इस पैटर्न में हम ये बोल सकते हैं कि यार ट्राई पॉजिटिव वाला ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमको दिखाई दे रहा है, क्लोरीन मत तो बना रहा है, ये कौन सा एलिमेंट है सामने, क्लोरीन तो है हैलोजन में, इसका मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर होगा क्लोरीन। वन प्लस पूछेंगे तो भी आप ये आंसर टिक मार करो एच ओ सी एल जो कि क्लोरीन होता है। थ्री प्लस पूछेंगे तो भी, फाइव प्लस पूछेंगे तो भी क्लोरीन बनाता है, तो टेंशन आप लेने की जरूरत नहीं आपको, क्लियर है। चलो आगे जरा देखो, ओह अभी मैंने आपको बताया और वही क्वेश्चन आ गया। देखो ये होती है मजेदार थियरी कि भाई अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर बताइए। नीट में पूछा गया था पेपर वन में या फेज वन पता नहीं, 2016 में फेज वन में पूछा गया था 2016 में। सोचो जरा कि भाई क्या बोला इसने, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछ रहा है, एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, कैसे करेंगे सर इसको। तो अभी मैंने क्या बोला था, एच सी एल ओ तो होने वाला ही है बाई डिफॉल्ट, या एच ओ सी एल बोले की चीज़ है, ठीक है। बट इन दोनों में दोनों एक ही चीज़ है, जितना ज़्यादा आप ओ का अमाउंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती है। तो सर किसका एसिडिटी ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो इसका ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे उल्टा कर दिया, फर्स्ट वाले में तो उल्टा हो गया, फर्स्ट वाला भी राइट हो सकता था बट उल्टा हो गया, यहाँ पे 4 3 2 1 ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बोलो समझ में आया क्या, हर एक बच्चे को हर एक कंटेंट एकदम क्लियर हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन जैसी चीज़ लग रही है कहीं पर भी किसी को भी। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वॉट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, काफ़ी इजी है, बी सी ई सी ई 2014 में पूछा गया था। सोच लो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या करते थे, याद है किसी को, पता नहीं सर, अरे यार एस प्लस ओ करते थे एस ओ टू बनता था, फिर एस ओ टू में वापस ओ टू मिलाते तो एस ओ थ्री बनता था, कुछ वेनेडियम पेंटोक्साइड लेते थे, फिर इस एस ओ टू के अंदर हम कुछ मिलाते थे, पानी वानी मिलाते थे, कुछ याद है, H2O7 बन जाता था, ठीक है, H2O4 मिलता था, फिर इसके अंदर हम पानी मिलाते थे तब जो है कि हमको आंसर मिलता था, जैसे मैंने इसके अंदर पानी मिलाया तैसे बनता था 2 times of H2SO4, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ए आंसर आ जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो हर एक चीज़ समझ में आई, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जो MHDCET लेवल के क्वेश्चन थे, वो सब मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको हर एक कंटेंट वेल प्रिपेयर्ड मिले, कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी को भी कहीं पर भी, चलेगा। अब वापस से एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर आप नून ऐप पर अभी भी नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर क्लिक कीजिए या प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए नून ऐप को। 21 दिनों का कोर्स चल रहा है बच्चे, इसलिए बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ कि 21 दिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, तो अगर आप जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना आपका भला हो जाएगा। अदरवाइज मालूम पड़ा कि सिर्फ 2 दिन 3 दिन बचे हैं तब आप ये वीडियो देख रहे हो और तब आपको ये पता चल रहा है, शायद स्टार्ट में कुछ बच्चों ने देखा होगा वीडियो, बाद में उनको मालूम पड़ा कि अरे यार नहीं ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नून ऐप को डाउनलोड कर लेना ताकि आपका जो कंटेंट है एकदम मजबूती से बना रहे, चलेगा। तो बच्चे थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, लाइव लेक्चर नहीं हो पा रहे तो क्या हुआ, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में बहुत अच्छे से देने का कोशिश करूंगा ताकि आपका कोई भी कंटेंट रुकने ना पाए, न तो हम रुकेंगे न तो हम झुकेंगे, चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले कंटेंट में, तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए, थैंक यू वेरी मच।